नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल सांकल आपका फिर से यू टर्न डिजिटल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम डाइस पासे के और 10 सवाल देखने वाले हैं जो कि अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल हैं दोस्तों। तो उसमें सबसे पहला सवाल आपके सामने है और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन भी दे रखी हैं और इसने बताया कि ये सो एक ओपन डाइस है दोस्तों, खुला पासा है। और इस पासे को जो है मोड़ कर, मतलब ये एक खुला पासा है, इसको बंद करना है तो इसको मोड़ कर एक आकृति बनाई गई है और उन आकृति में से चार विकल्पों में से कोई एक आकृति यहाँ पर है। तो आपको ये बताना है कि इस आकृति को मोड़ कर कौन सी संभव आकृति है इन चारों में से जो बनेगी। तो दोस्तों, इस सवाल को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला सवाल आपके सामने है और मैं आपको बता दूं कि जब ओपन डाइस दिया जाता है और जब भी खुला पासा दिया जाता है तो उसको कैसे सॉल्व करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो ये बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पर रेक्टेंगुलर, यहाँ पर उसके नीचे सेकंड है और ये तीसरा बॉक्स है और तीन यहाँ पर भी हैं। इसका मतलब टोटल 6 बॉक्स हैं। इसका मतलब एक पासे की 6 सरफेस सतह आपको दे रखी हैं। तो मैं आपको बता दूं कि 6 सतह है तो यहाँ पर आपको या तो हॉरिजॉन्टल चलना है, हॉरिजॉन्टल का मतलब है 37, या फिर वर्टिकल चलना है दोस्तों, ऊर्ध्वाधर। जब आप हॉरिजॉन्टल या फिर ऊर्ध्वाधर चलते हैं वर्टिकल, तो यहाँ पर तीन आप बॉक्स को लेंगे। जब आप तीन बॉक्स को लेंगे तो यहाँ पर ऐसी सिचुएशन आएगी दोस्तों, और उसमें से जो बीच वाला है उसको हटा दिया जाएगा तो साइड वाला जो है एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा। आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखें कि आप या तो हॉरिजॉन्टल चल सकते हैं या फिर वर्टिकल, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता आपके पास में नहीं है। ऐसे नहीं कि आप इधर से आते आते इधर चले गए या फिर आप हॉरिजॉन्टल आते आते वर्टिकल नीचे की तरफ चले गए, ये ऐसा मान्य नहीं होगा। आपको सीधे ही रास्ते पे या तो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल चलना होगा, तीन बॉक्स को लेना पड़ेगा। और जब तीनों बॉक्स आ चुके होंगे तो बीच वाला बॉक्स को हटा के दोनों साइड वाले बॉक्स एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मैं सबसे पहले यहाँ पर वर्टिकल गया और वर्टिकल जाने से यहाँ पर तीनों बॉक्स आ चुके हैं। इसका मतलब बीच वाला जो यहाँ पर डिवाइड का साइन है इसको छोड़ देता हूँ और इस बिंदी का जो ओपोजिट आया है वो आपका एक सर्कल जिसमें एक बिंदी है। इसका मतलब जब मैंने इसको सॉल्व करने की कोशिश की तो यहाँ पर एक सर्कल है जो कि कलर से भरा हुआ है और इसके विपरीत में जो है एक ऐसा सर्कल है जो इसका पॉइंट है, तो इसका ऑपोजिट ये होगा। वैसे वैसे यदि मैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल चलूँ, एक छोड़ के एक या फिर तीन बॉक्स को मैंने लगातार लिया तो यहाँ पर इस क्रॉस को छोड़ के यहाँ पर दो खाली बॉक्स जो हैं ये एक दूसरे के ऑपोजिट में हो जाएंगे दोस्तों। और मैं आपको बता दूं कि एक खुले पासे में 6 सतह और 6 सरफेस में जब 2 का भाग दिया तो 3 यहाँ पर जोड़े मिले। जब ये इसका ऑपोजिट हो गया और ये खाली बॉक्स इस खाली बॉक्स का ऑपोजिट हो गया, इसका मतलब रिमेनिंग 2 सरफेस जो है एक दूसरों के ऑपोजिट होगी दोस्तों। इसका मतलब यहाँ पर जो है डिवाइड का जो ऑपोजिट होगा वो क्रॉस होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर जब मैंने इसको सॉल्व करने चाहा तो यहाँ पर ये 3 जोड़े आ चुके हैं, कौन किसका ऑपोजिट है ये आपको पता चल गया। अब आपको बताना है कि इनसे कौन सा यहाँ पर संभावित है, कौन सा पासा बना होगा। तो दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ कि विपरीत सतह है कभी भी साथ साथ में नहीं दिखती हैं दोस्तों। ऑपोजिट सर्फेसेस कभी भी साथ में आती नहीं है पासे में। तो दोस्तों, इसका ऑपोजिट ये है, यहाँ पर हर एक पॉइंट का ऑपोजिट मैंने इधर लिख लिया है दोस्तों। अब ध्यान रखें, कोई भी ऑपोजिट जोड़ा जो है साथ में नहीं आना चाहिए। तो इसका मतलब आपका पहला जो है विकल्प नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें जो ये सर्कल भरा हुआ है इसका दूसरा जो ऑपोजिट है सर्कल और पॉइंट वाला, ये दोनों साथ साथ में आ गए। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पासे में विपरीत सतह कभी भी साथ में नहीं आती, इसलिए पहला आपका ऑप्शन कैंसिल हो गया। आगे मैं बता दूं कि तीसरा भी आपका कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक पासे की 6 सतह आपके सामने हैं और इन 6 सतहों पर ये ही डिजाइन होनी चाहिए। ये डिजाइन 6 पॉइंट का पता नहीं कहाँ से आई, इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि ये अलग ही कोई पासा है। ये पासा इसको मोड़ने से नहीं बनेगा। आगे जब आप चलोगे दोस्तों तो आपको मालूम है कि 2 सरफेस 6 में से दोनों खाली थी और दोनों खाली एक दूसरों की ओपोजिट हैं और यहाँ पर दोनों खाली आ चुकी हैं साथ साथ में। और इसका मतलब हम कह सकते हैं कि चौथे विकल्प में जो ओपोजिट हैं वो दोनों साथ में आ चुकी हैं, तो चौथा भी आपका आंसर नहीं होगा।
अच्छा, तीनों विकल्प यहाँ पर कट हो चुके हैं, तो जो चौथा बचा हुआ है वो आपका आंसर होगा। या तो आप ऐसे बोल दे कि ओपोजिट सर्फेसेस कभी भी साथ में आती नहीं है, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि इन तीन जोड़ों में से हर एक जोड़े में से एक एक यहाँ पर एलिमेंट मिलेगा तो वो आपका पासा बनेगा। जैसे पहले जोड़े में से आपको ये सर्कल यहाँ पर मिल चुका है, सेकंड जोड़े में से कोई भी एक खाली आपको मिल चुका है, एंड तीसरे में से डिवाइड और क्रॉस में से एक डिवाइड आपको मिल चुका है। इसका मतलब पहले का जो आंसर हुआ है वो सेकंड विकल्प हुआ है। और ये भी आपको यहाँ पर सीखने को मिला दो इम्पोर्टेंट पॉइंट। पहला कि विपरीत सरफेस सतह कभी भी साथ साथ में नहीं आती हैं, और दूसरा वो ही पासा यहाँ पर बनता है जिसे तीन जोड़ों में से कोई भी प्रत्येक जोड़ों में से कोई भी एक एक एलिमेंट आपका वहां पे मिले। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन सेकंड आपके सामने ये रहा। दोस्तों क्वेश्चन सेकंड आपके सामने है, और मैं आपको बता दूं कि इसमें पूछा गया है कि तीन के सम्मुख में कौन सा अंक आएगा। इसका मतलब आपको तीन के विपरीत का बताना है। दोस्तों यहां पर सामने का पूछें या विपरीत का पूछें या सम्मुख पूछें, ये एक ही बात होती है पासे में। तो तीन के विपरीत में पूछा है, तो मैं आपको पहले ये बताना चाहूंगा कि तीन के साथ में जो आपको दिखे वो कभी भी उसका उल्टा नहीं होगा, क्योंकि आपको पहले सवाल में बताया गया है कि विपरीत सतह कभी भी साथ साथ में नहीं आती। तो तीन का उल्टा कभी छह होता तो वो इधर नहीं दोस्तों, इसके सम्मुख, इसका मतलब इसके फ्रंट में होता दोस्तों, नीचे की तरफ। तो दोस्तों तीन का विपरीत कभी भी छह और पांच नहीं होगा, इसलिए आपका बी विकल्प कभी आंसर नहीं होगा। आगे चलते हैं, आगे आप कोई भी दो पास ऐसे ले लो जिसमें वन एलिमेंट इज ए कॉमन। तो दोस्तों यहाँ पर जो पहला और दूसरा आप पासा लोगे तो इसमें एक एलिमेंट कॉमन है, वो है यहाँ पर चार। और चार को जब आप घुमाओगे दोस्तों तो ये भी आपका घूमेगा और ये भी, तो यहाँ पर आया दोस्तों 4, 5 एंड 6, और यहाँ पर मिला है 4, 1 एंड 2। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है दोस्तों कि जब वन एलिमेंट इज कॉमन देन पकड़ कर घुमाते हैं, और जब पकड़ कर घुमाते हैं और कोई भी संख्या दो बार दिख जाए तो एक हटा के जो नहीं आई उसको लिखते हैं। तो इस सवाल में जब मैंने इस दोनों को सॉल्व किया तो इसमें चार का उल्टा जो है तीन मिला है दोस्तों, और तीन का उल्टा चार, इसका मतलब इस सेकंड का जो आंसर होगा वो आपका सी विकल्प होगा। लेकिन एक बात यहाँ पर देखने लायक है कि पिछले दो पासे जो है इसमें भी वन एलिमेंट इज कॉमन, और वो कॉमन जो है यहाँ पर पांच है। जब मैंने इस पांच को घुमाया दोस्तों यहाँ पर 5, 6 एंड 3 मिला है, और क्लॉकवाइज घुमाया तो इधर भी मिला दोस्तों 5, 1 एंड 4। दोस्तों यहाँ पर पांच कॉमन है तो पांच को एक को हटा के जो नहीं आई संख्या उसको रखा दो। लेकिन यहाँ पर जब मैंने चेक किया तो इसमें फिर से तीन का उल्टा चार मिला है जो यहाँ पर था। लेकिन एक बात यहाँ पर नोट करने के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसमें पांच का उल्टा एक था और इसमें पांच का उल्टा दो। तो इस केस में मैं आपको बता दूं कि जानबूझकर एग्जाम में दिया जाता है ताकि आपको कंफ्यूजन हो। जब इसको सॉल्व किया तो पांच का उल्टा एक एंड छह का उल्टा दो मिला, और इसमें पांच का उल्टा दो एंड छह का उल्टा एक। तो ऐसी कंफ्यूजन आपको सवाल में मिलेगी, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको जो पूछा गया उसको देखें, वो हर केस में आपको सही मिलेगा। इसमें तीन का उल्टा चार, इसमें तीन का उल्टा चार, इसका मतलब कोई ऐसे करेगा तो भी उसका आंसर सही, और कोई ऐसे करेगा तो भी उसका सही। अब आपके दिमाग में ये डाउट आया होगा कि सर पांच का पूछेगा तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, यदि पांच का पूछेगा तो सवाल को भी यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करेगा, यहाँ पर पांच का हर केस में से आएगा, फिर उस वक्त फिर तीन और चार का थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। तो दोस्तों सेकंड का जो तीसरे का उल्टा पूछा है वो आपका सी विकल्प चार हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन तीसरा आपके सामने ये रहा। दोस्तों यहाँ पर जो तीसरा सवाल है ये फिर से आपको ओपन डाइस दिया हुआ है, खुला पासा। और पहले सवाल में मैंने इसका आपको कॉन्सेप्ट सिखाया है कि जब भी खुला पासा दिया जाए तो आप हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल लाइन खींचे, और तीन एलिमेंट में से एक बीच में छोड़ के साइड वाले उल्टे होते हैं। तो जब मैंने यहाँ पर तीनों को लिया ए बी एंड थ्री, तो बी को छोड़ दो, ए का ऑपोजिट जो है यहाँ पर थ्री हो चुका है दोस्तों। और आगे जब तीन एलिमेंट और लिए बी थ्री एंड सी, तो यहाँ पर बीच वाला थ्री आ गया, इसको छोड़ के यहाँ पर बी और सी ऑपोजिट हो गया है। एक बात ध्यान रखें, जब तीन जोड़े होते हैं एक पासे में जिसमें से दो जोड़े यदि आपको पता चल जाए तो तीसरा जो है 100% ऑपोजिट होगा ही होगा। तो यहाँ पर जो है एक का उल्टा दो हुआ है। अब सवाल में ये महत्वपूर्ण पॉइंट आ चुका है, आपको बताया गया है कि कौन सी आकृति नहीं बनेगी वो आपको फाइंड आउट करना है। और मैंने आपको पहले सवाल में बताया है कि जिस आकृति में विपरीत सतह आ जाती है साथ साथ में
वो आकृति यहां पर नहीं बनेगी। यदि आपको कोई पासा बंद करना है या फिर बनाना है तो हर एक जोड़े में से आपको कोई भी एक एलिमेंट मिल जाए, मतलब ए थ्री में से ए मिल जाए या थ्री कोई एक मिल जाए, बी और सी में से कोई एक मिल जाए, एक और दो में से कोई एक मिल जाए तो वो आकृति बनेगी। लेकिन आपको पूछा है कौन सी नहीं बनेगी, दोस्तों वो नहीं बनेगी जिसमें विपरीत सतह साथ साथ में आ जाएगी। एक ऐसा पासा जिसमें या तो ए या थ्री साथ साथ में होंगे, बी या सी साथ साथ में होंगे या फिर एक और दो साथ साथ में होंगे। जब मैंने यहां पर चेक किया तो ए और थ्री जो है इस पहले पासे में ही मिल गया है और किसी में ए और थ्री नहीं है और किसी में बी और सी साथ साथ में नहीं है और किसी में एक और दो साथ साथ में नहीं है। इसका मतलब आपका तीसरे में कौन सी आकृति नहीं बनेगी, देन जिसमें विपरीत सतह साथ में होगी वो नहीं बनेगी। तो तीसरे का जो आंसर हुआ है दोस्तों वो पहला विकल्प हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन फोर्थ आपके सामने ये रहा दोस्तों। क्वेश्चन फोर्थ आपके सामने जो है ये क्वेश्चन तीसरे के सेम है, मतलब आपने जैसा तीसरा सॉल्व किया वैसे वैसे आपको चौथा भी सेम करना है। और इसमें पूछा है कि कौन सी आकृति नहीं बनेगी, तो पहले आपको जो ओपन डाइस दे रखा है उसको सॉल्व करें और ये पता लगाएं कि कौन सा जोड़ा जो है एक दूसरे का विपरीत है। तो एक छोड़ के ये एलिमेंट लेंगे, मतलब लक्ष्मण श्याम को छोड़ते और उर्मिला, इसका मतलब यहाँ पर जो जोड़ा बना है पहला वो लक्ष्मण और उर्मिला का बना है दोस्तों। आगे आप एक एक एलिमेंट को छोड़ते चले जाएं, जैसे ये तीन है तो बीच में श्याम को छोड़ दिया और एक जोड़ा जो है दोस्तों राम और सीता का बना है। तीन जोड़ों में से दो जोड़े यहां पर कंफर्म हो चुके हैं तो तीसरा जोड़ा जो है आपके पास में वो श्याम और राधा का है। तो दोस्तों यहां पर आपको पूछा है कि कौन सी आकृति नहीं बनेगी, तो आपको अभी तीसरे सवाल में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि तीन जोड़ों में से यदि कोई जोड़ा एक साथ मिल गया जैसे लक्ष्मण और उर्मिला या फिर राम और सीता या फिर श्याम और राधा तो वो नहीं बनेगा, क्योंकि विपरीत जो है या जोड़े जो है कभी भी एक दूसरों के साथ में नहीं दिखते, वो एक दूसरों के फ्रंट में होते हैं। यदि कोई टॉप में है तो बॉटम में होगा। तो दोस्तों लक्ष्मण और उर्मिला यदि कहीं साथ साथ में है तो उसको हम यहां पर बता देंगे कि वो आकृति नहीं बनेगी। लेकिन जब मैंने चेक किया तो कहीं पर भी लक्ष्मण और उर्मिला एक साथ में नहीं है दोस्तों। आगे राम और सीता को मैंने चेक किया तो दोस्तों पहले विकल्प में यहाँ पे राम और सीता साथ में नहीं है, तीसरे में भी राम और सीता नहीं है और चौथे भी नहीं है। लेकिन जब मैंने दूसरे को चेक किया तो इसमें राम और सीता एक दूसरे के साथ साथ में दिखने लगे, इसका मतलब चौथे का जो आंसर होगा वो सेकेंड विकल्प होगा। क्योंकि पास में एक चीज कंफर्म है कि ओपोजिट यहां पर सरफेस कभी भी साथ में नहीं दिखती हैं। राम का उल्टा यहां पर सीता है तो वो राम यहां पर है तो सीता इधर छुपी हुई होनी चाहिए और सीता यहां पर लिखा है तो राम का नाम उधर होना चाहिए। लेकिन दोनों साथ में दिख गए हैं, इसका मतलब ये केस कभी भी पॉसिबल ही नहीं है, मतलब ये कभी बनेगा भी नहीं। तो दोस्तों चौथा सवाल भी आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पांचवा आपके सामने ये रहा दोस्तों। क्वेश्चन पांचवा आपके सामने और क्वेश्चन तीसरे और चौथे की तरह ही है, आपको फिर से इसने पूछ लिया कि कौन सी आकृति नहीं बनेगी। तो आप सबसे पहले इस ओपन डाइस को सॉल्व करें और जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें जो उल्टा होगा वो लाल का पीला होगा, पहला जोड़ा आपके सामने आ चुका है। आगे चलें, एक दूसरे का एलिमेंट छोड़ें, अल्टरनेट यहां पर ओपोजिट होंगे, चाहे आप वर्टिकल आ जाएं चाहे हॉरिजॉन्टल, आपको यहां से ऐसे नहीं मुड़ना है और ना ही पीला हरा और काला ऐसे नहीं मुड़ना है, या तो आप हॉरिजॉन्टल चलें या वर्टिकल। तो अब हम यहां पर वर्टिकल जा चुके हैं और इसमें लाल का पीला ऑपोजिट आ चुका है, अब हम अपन जाएंगे यहां पर हॉरिजॉन्टल। तो दोस्तों हॉरिजॉन्टल में हरा को लेंगे तो एक छोड़ के आपको नीला दिखेगा तो ये इसका उल्टा हो जाएगा। तो दोस्तों यहां पर जो हरा का उल्टा आया है वो नीला आया है। आगे जब आप चलोगे तो यहां पर जो बचा हुआ है वो है काला और सफेद, तो यहां पर जो काला का उल्टा आया है या इसके सामने जो है जो कलर होगा वो सफेद लिखा आएगा। तो ये तीनों जोड़े आ चुके हैं दोस्तों। आपको पूछा कि कौन सी आकृति नहीं बनेगी, तो यदि किसी फिगर में कोई भी जोड़ा जो है साथ में दिख गया जैसे लाल पीला या फिर हरा नीला तो वो आकृति आपकी नहीं बनेगी। तो दोस्तों यहां पर है पीला हरा और काला, तो दोस्तों यहां पर पीला इसमें से ले लिया, हरा जो है सेकंड पोजीशन में से ले लिया और काला तीसरे में से, कोई भी जोड़ा साथ में नहीं आया, मतलब लाल पीला एक साथ नहीं दिखा या हरा नीला नहीं दिखा, तो ये तो बनेगा दोस्तों। और तीसरे ऑप्शंस में मैंने देखा तो यहाँ पे काला नीला और पीला है, काला तीसरे में से लिया,
नीला सेकंड में से लिया और पीला पहले में से लिया, इसका मतलब ये भी आपका बनेगा। आपको तो बताना है कौन सी आकृति नहीं बनेगी। लेकिन दोस्तों जब अपन सेकंड एंड फोर्थ को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर एक जोड़ा था काला और सफेद, और यहाँ पर ये दोनों साथ साथ में दिख गए। इसका मतलब यहाँ पर जो विपरीत सतह है वो साथ में नहीं दिखनी चाहिए। यदि साथ में नहीं दिखती तो वो बनता। अब इसमें जो है ये दोनों साथ में दिख गए, इसका मतलब ये आकृति आपकी नहीं बनेगी। तो पांचवे का जो आंसर हुआ है दोस्तों वो आपका फोर्थ विकल्प हुआ है। अब हम आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन सिक्स आपके सामने ये रहा। दोस्तों यहाँ पर जो सिक्स्थ सवाल है उसमें एक ही पासे को चार बार फेंका गया, उसका मतलब एक ही पासे की चार सिचुएशन दे रखी हैं। तो आपको जो पूछा है, इसने पूछा कि चार के सामने किस संख्या का वाला फलक होगा, इसका मतलब आपको चार का विपरीत पूछा है। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूं कि विपरीत सतह जो है कभी भी साथ साथ में नहीं आती है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जो एलिमेंट जहां पर है, जैसे दो यहां पर लिखा हुआ है तो दो के साथ में क्या है, एक और पांच है। तो इसमें कभी भी जो है दो का उल्टा एक और पांच नहीं होगा, क्योंकि दो का ऑपोजिट यदि होता कोई भी संख्या तो वो ऊपर नहीं दोस्तों, इसके नीचे और साथ में नहीं दिखती। तो इसका मतलब ये है कि इसमें चार का उल्टा पूछा है और तीसरे फिगर में चार यहां पर लिखा हुआ भी है, और इस फिगर को आप ध्यान से देखोगे तो चार के साथ में पांच और छह लिखा हुआ है। जब चार के साथ में पांच और छह लिखा हुआ है तो ये चार का उल्टा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर एडजेसेंट जो नंबर होते हैं साथ में, जो भुजाओं के पास में जो संख्या लिखी होती है वो कभी भी विपरीत नहीं होते हैं। तो इस तीसरे फिगर से ये कंफर्म है कि इस पासे का चार का उल्टा पांच और छह नहीं होगा, और चौथे फिगर से ये कंफर्म है कि इस चार के साथ में जो दो और तीन है तो चार का उल्टा दो और तीन भी नहीं होगा। तो दोस्तों ये कंफर्म हो गया कि चार का ऑपोजिट जो है ना दो होगा, ना तीन होगा, ना पांच होगा, ना छह होगा। ऑप्शंस एलिमिनेशन मेथड से यहां पर जब मैंने इसको उड़ाया तो ये बी विकल्प आपका चला गया, सी भी कैंसिल हो गया और डी भी कैंसिल हो गया। तो सिक्स्थ का जो आंसर हुआ है वो आपका ए विकल्प हुआ है। तो ये भी एक अच्छा मेथड है, घुमाने से अच्छा है। आप इसमें देख लें कि चार के साथ में जो जो संख्या दिख रही है वो कभी भी उसकी उल्टी नहीं होगी, इसका मतलब ना पांच है ना छह यहां से उड़ाएं, ना दो है ना तीन यहां से उड़ाएं। तो जो विकल्प आपका बचेगा वो आपका ए विकल्प बचेगा। तो दोस्तों ये भी सवाल आपका सॉल्व हो चुका है। अब हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन सेवन आपके सामने ये रहा। दोस्तों यहां पर जो सातवां सवाल है, और आपको ये मालूम है कि दोस्तों यहां पर ओपन डाइस दे रखा है, और ओपन डाइस में आप कैसे सॉल्व करेंगे अल्टरनेट, मतलब आपको या तो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल जाना है, तीन एलिमेंट लेने हैं और तीन एलिमेंट आते ही बीच वाले को छोड़ दें और साइड वाले दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाएंगे। तो यहाँ पर जब मैं ऐसे हॉरिजॉन्टल चला 37 में तो दो और ये डिजाइन और तीन है, तो इसमें डिजाइन बीच में है तो इसको छोड़ दें, इसमें दो का उल्टा जो है यहाँ पर तीन हो चुका है। अब मैं वर्टिकल जाता हूँ तो एक डिजाइन और फोर, तो इसमें डिजाइन को फिर से छोड़ दें, इसमें एक का उल्टा जो है वो चार हो चुका है। अब लास्ट में जो बचा है इसमें डिजाइन एक चार को छोड़ के पांच, तो इसका मतलब जो डिजाइन का बॉक्स होगा इसका उल्टा जो होगा दोस्तों वो पांच होगा। तो ये आपके जोड़े आ चुके हैं। आपको इस सवाल में पूछा है कि जहां पर एक लिखा हुआ है उसके सम्मुख में या फिर उसके सामने कौन सा फलक होगा। तो दोस्तों एक का उल्टा पूछा है तो एक डिजाइन को छोड़ के चार, इसका मतलब एक का जो उल्टा हुआ है वो यहाँ पर चार संख्या होगी। तो सातवें का जो आंसर हुआ है वो आपका सी विकल्प हुआ है। अब हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन एट आपके सामने। दोस्तों ये जो सवाल है, आपने ऐसा सवाल वीडियो फर्स्ट में भी देखे होंगे जिसमें 10 सवाल मैंने करवाए हैं। अब इसमें भी मैं बताने वाला हूं कि ये जो बिंदु है ये 1 से 6 बिंदु है, जिसमें मैं आपको बता दूं कि पहले आपको इस बिंदु को ध्यान से देखना पड़ेगा। सबसे ऊपर दो बिंदु तो यहाँ पे दो लिखे, यहाँ पर चार बिंदु तो इधर चार लिख लें, और इधर ध्यान से देखें तो पांच बिंदु होंगे। सेम के सेम यहाँ पर देखो तो एक इधर तीन और इधर पांच बिंदु है। इस पासे को जब मैंने ध्यान से देखा तो एक ही पासे की दो सिचुएशन है पॉइंट वाइज, और इसमें वन एलिमेंट इज अ कॉमन, और जब वन एलिमेंट इज अ कॉमन देन आपको उसको पकड़ के घुमाना होगा, और जब मैंने इसको पकड़ के घुमाया तो यहाँ पर 5 के बाद में 4 फिर 2 आया दोस्तों, और इसमें 5 के बाद में 3 एंड उसके बाद में 1 आया है।
आपको मालूम है कि इस पासे में 1 से 6 तक बिंदु थे, तो कोई भी संख्या यदि 2 बार दिख जाए तो वो संख्या लिखें जो यहाँ पर नहीं आई। तो 1, 2, 3, 4, 5 के बाद में यहाँ पे 6 लिखेंगे। तो दोस्तों यदि 5 बिंदु हैं तो उसके विपरीत में 6 बिंदु होंगे, 4 बिंदु है तो उसके विपरीत में 3 बिंदु होंगे। तो इसने ये बोला कि 4 बिंदु वाली साइड के दूसरी ओर, दूसरी ओर का मतलब जैसे ये एक पासा है और इस पासे में ये सतह है, तो इसकी दूसरी साइड में, इसका मतलब इसके सामने वाली या फिर इधर की जो साइड छुपी हुई है इसके मतलब ये वाली दोस्तों। तो 4 बिंदु वाली जो सरफेस होगी उसके दूसरी सरफेस पे 3 बिंदु होंगे दोस्तों, इसने यही पूछा है। इसका मतलब 8वें का जो आंसर हुआ है उसमें भी जो आंसर होगा वो सी विकल्प होगा। आई होप कि ये समझ में आ चुका होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 9th आपके सामने ये रहा दोस्तों। क्वेश्चन 9th आपके सामने है और मैं आपको बता दूं कि इसमें 4 का विपरीत पूछा है और एक ही पासे की 4 सिचुएशन आपको दे रखी हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब एक पासे की 2 सिचुएशन देते हैं, जैसे कि यहां पर लिखा हो 1, 2, 3 और इधर लिखा हो 2, 3 एंड 4, जब एक ही पासे की 2 सिचुएशन दे रखी हो और उन दोनों सिचुएशन में 2 एलिमेंट कॉमन हो जैसे कि 2, 3 एंड 2, 3, तो उन दोनों को हटाने के बाद में जो बचेगा 1 और 4 ये हमेशा विपरीत होगा दोस्तों। तो ऐसे वैसे हम इसमें देखने वाले हैं कि यहां पर क्या होगा। तो दोस्तों इस फर्स्ट और इस सेकंड में 1, 3 कॉमन है, यहां पर जो उल्टा आया है 2 का उल्टा 5 आया है, ये फर्स्ट जोड़ा है। सेकंड जब आप देखोगे इसमें 1, 2, 3 एंड 2, 4, 3, तो इसमें 2, 3 और फर्स्ट में 2, 3 कॉमन है, तो यहां से 2, 3 चला गया और इधर से 2, 3 जाएगा, तो इसमें 1 का उल्टा 4 आएगा। और जब 1 का 2, 1 का 4 एंड 2 का 5, तो बचा कौन है 3 और 6, तो ये इसमें उल्टा होगा। तो दोस्तों यहां पर यदि 3 और 6 कंफर्म नहीं समझ आया था, आप इन दोनों एलिमेंट को या दोनों पासे को ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि इन दोनों पासे में 2 संख्याएं कॉमन है, 1, 5 एंड 1, 5। तो जब 1, 5 से आप 1, 5 उड़ा दोगे तो बचेगा क्या 3 एंड 6, ये उल्टा हो जाएगा। तो इसमें भी आपने एक नया कॉन्सेप्ट सीखा और इसमें जो 4 का उल्टा मिला है वो आपको 1 मिला है। तो दोस्तों 9th का जो आंसर हुआ है वो आपका ए विकल्प हुआ है। अब हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन 10th आपके सामने ये रहा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है और आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें। इसमें जो बॉक्स दे रखे हैं आप इसको थोड़ा सा नंबरिंग दे दें कि जैसे 3 डॉट हैं तो यहां पर 3 लिख लें, इधर 2 डॉट हैं तो 2 लिखें और इधर 4 है तो 4, इधर 2 है, इधर 6 डॉट हैं और इधर 4, इधर 3 है दोस्तों, इधर 1 और इधर 2। अब आपको पूछा है कि जिधर 3 डॉट होंगे उसके ऑपोजिट में कितने डॉट होंगे, तो इसको सॉल्व करते हैं। जब आप पहले और दूसरे बॉक्स को देखोगे तो आपको दिखेगा यहाँ पर कि 2 एलिमेंट कॉमन है, 2 एंड 4 एंड 2 एंड 4। जब 2 4 एंड 2 4 को उड़ाऊंगा तो यहाँ पर 3 का जो ऑपोजिट आएगा वो 6 आएगा। इसका मतलब ये तो पहले दो बॉक्स को लेने से ही सॉल्व हो गया क्योंकि 2 एलिमेंट्स आर कॉमन। जब 2 एलिमेंट यहाँ पर कॉमन होते हैं तो दोनों को यदि मैं उड़ा देता हूँ, तो कॉमन एलिमेंट को उड़ा देता हूँ तो जो बचेगा वो हमेशा उल्टा होगा। तो यहाँ पर 10 का जो सवाल पूछा गया था कि 3 बिंदु के विपरीत में कितने बिंदु होंगे, तो यहाँ पर कंफर्म आ गया कि 3 का विपरीत जो है यहाँ पर 6 है, इसका मतलब 3 बिंदु के विपरीत में 6 बिंदु होंगे। तो दोस्तों 10वें का जो आंसर हुआ है वो आपका सी विकल्प हुआ है। आई होप कि ये 10 सवाल भी आपको समझ में आए होंगे। ये पिछले वीडियो से थोड़े से एडवांस लेवल के सवाल थे दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम और अच्छे सवाल लेके आएंगे, तब तक आप अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करें, उनको जरूर बताएं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू सो मच।